अंबिकापुर में रेत की बढ़ती कीमतों को लेकर छोटे रेत कारोबारियों ने राज्यसभा सांसद राम विचार नेताओं को ज्ञापन दिया और मांग करते हुए कहा कि रेत कारोबार में उन्हें परमिशन दी जाए या फिर रेत का कारोबार बंद किया जाए। इधर राज्यसभा सांसद राम विचार नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेत का अवैध कारोबार कांग्रेस सरकार अपने लोगों से करा रही है और रेत माफियाओं के साथ मिली हुई है। हम लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं और बाहर से आ जाकर यहाँ पे हाईवे से बालू बेचा जा रहा है और हमारे मजदूर भाइयों के और हम लोगों के रोजी रोटी पे लात मारा जा रहा है। और सीतापुर से मनोज अग्रवाल है, फोन पे धमकी दिया जा रहा है कि उन्हें 6 इंची छोटा कर देंगे और घर से उठा ले जाएंगे। इस तरह की धमकी हम लोगों को दिया जा रहा है। बालू गिट्टी का कृत्रिम क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। कुछ इसमें उन्हीं के पार्टी के नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, सरकार का संरक्षण मिल रहा है।